एप्पल ने अपना पहला AR हेडसेट विजन प्रो अनाउंस कर दिया है। ये एप्पल का सबसे नया एक 3D AR वाला हेडसेट है। इसको पहन के आप भाई नेक्स्ट लेवल चीजें कर सकते हो। ये एप्पल ने अपने WWDC इवेंट में लॉन्च करा है और इसमें और भी बहुत सारी नेक्स्ट लेवल चीजें, सारी आपको एक करके बताते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले एक 15 इंच की मैकबुक एयर लॉन्च करी गई। दुनिया का सबसे पतला 15 इंच वाला लैपटॉप है। 13 इंच वाली मैकबुक आती है, काफी लोग यूज करते हैं, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। उसके साथ साथ एक मैक स्टूडियो लॉन्च करा है M2 मैक्स के साथ, एक ब्रांड न्यू मैक प्रो। ये एप्पल का जो बड़ा वाला कंप्यूटर वाला होता था वो बहुत महंगा आता था, उसमें पहले इंटेल की चिप होती थी, अब उसके अंदर M2 अल्ट्रा लगा दी। ये पुराने वाले से 3 गुना फास्टर है और काफी सारे और भी अपग्रेड्स हैं। एप्पल का नया iOS 17 भी लॉन्च हो चुका है। इसमें भी छोटे मोटे अपग्रेड्स है, कॉन्टैक्ट्स, फेस टाइम में थोड़े अपडेट्स हैं, लॉक स्क्रीन पे थोड़े अपडेट्स हैं, मैसेजेस में एयर ड्रॉप करने का अलग तरीका, आपको कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करने उसका अलग अलग तरीका। उसके साथ साथ आईपैड OS में भी कुछ चेंजेस हैं, विडजेट्स लगा सकते हैं, FCP यूज कर सकते हो, लॉजिक से बेसिकली जो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसके साथ मैक OS का भी नया वर्जन सोनोमा लॉन्च करा गया था, प्लस वॉच OS का भी पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया। बट भाई ये सारी चीजें सेकेंडरी, जो प्राइमरी चीज वो है एप्पल का नया विजन प्रो हेडसेट। अभी तक हमने जितने भी हेडसेट ट्राई करे वो सारे VR हेडसेट्स होते थे। उसमें होता क्या था कि मतलब बड़ा सा ऐसे वो लग जाता था, हमको आर पार दिख पाता था थोड़ा बहुत, बट एक्चुअली इतना इंटरेक्टिव नहीं होता था। ये एप्पल का AR हेडसेट है। AR और VR में फर्क ये होता है, VR में आप बस अंदर हेडसेट लगा के भाई अलग दुनिया में रह सकते हो। AR में होता है कि आप इस दुनिया में रह के बाहर वाली दुनिया, अंदर वाली दुनिया सब देख सकते हो। भाई इसकी बनावट काफी सिंपल सी है। भाई फ्रंट में कैमराज लगा रखे हैं, पूरा एक ग्लास वाला पैनल है, पूरा एक मेटल फ्रेम है, मेश वाली अलग अलग चीजें लगा रखी है, पीछे हेडबैंड भी अलग सा लगा रखा है, जो डायल है, जो लेंसेज है अंदर की साइड पे, सब एप्पल ने कस्टमाइज बना रखे हैं। और इसके अंदर एक पूरा स्पीकर सिस्टम भी लगा रखा है ताकि आपको इसमें आवाज सुननी हो तो आप इसमें भी सुन सकते हो। एप्पल ने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे इसको हल्का बनाने के लिए एप्पल ने एरोस्पेस एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करा है, मेडिटेशन ऐप यूज कर सकते हो, बैठे बैठे कहीं पे भी घूम सकते हो। और ऑफकोर्स भाई एप्पल का प्रोडक्ट है, एप्पल वाली चीजों से सिंक हो जाता है। आप एयरपॉड्स लगा के भाई एरोप्लेन में बैठ के मूवी देख सकते हो। उसके बाद अगर आप समझ लो मैकबुक यूज कर रहे हो, उसकी स्क्रीन साइज को आपको बड़ा करना भाई, टीवी में बनाना वो कर सकते हो, 4K टीवी बन जाए। एक्चुअली जो आप इस हेडसेट को लगाते हो इसके अंदर ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट आप अपनी आंखें बाहर वाली दुनिया को दिखा सकते हो। ऐसा लगता है कि आपकी आंखें दिख रही है अंदर से। अगर आप कुछ देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आंखें दिखनी बंद हो जाएगी, बट अगर वो पास में आता है तो आपकी आंखें दिखनी चालू हो जाएंगी। बहुत वियर्ड है भाई। इस हेडसेट को आप 3 चीजों से चला सकते हो। आंखों से, जिस चीज को आप देखोगे उससे सिलेक्ट हो जाएगी आपकी आंखों से। फ्रंट वाले ट्रैकर्स लगे जो आपकी आंखों को पूरा ट्रैक करते हैं चारों तरफ। आपको सर घुमाने की जरूरत नहीं, आप खाली आंखें भी घुमाओगे तो उसके साथ साथ भी ये मूव करता है। उसके साथ साथ अपनी आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हो, इसमें माइक्रोफोन्स लग रखे हैं। और तीसरी चीज, आप अपने हाथों से, आपको कोई कंट्रोलर की जरूरत नहीं, आप बस अपने हाथों से क्लिक क्लिक कर सकते हो, इधर उधर ड्रैग कर सकते हो पकड़ के चीजें। और हाथ में कुछ पहनना है, कुछ लगाना है, मैकबुक लगाना है, स्क्रीन लगानी है, सारी चीजें हाथ से हो जाती हैं। इसमें जो ऐसा पोस्ट कार्ड का साइज होता है ना, छोटा सा ऐसे स्टैम्प वैम्प आप लगाते हो, उसके साइज के 7.5 माइक्रोन के पिक्सल ऐसे छोटे छोटे लगा रखे हैं उसके अंदर। बेसिकली आंख के जस्ट सामने 2-2 4K टीवी लगा दिए समझ लो, तो आप आंखें इधर उधर कहीं पे भी करोगे आपको पिक्सल नहीं दिखेंगे, ऐसा एप्पल बता रहा है। अभी हमने ट्राई नहीं करा, हमने कुछ हेडसेट्स में ये सारे फीचर्स ट्राई करेंगे जहाँ पे आप हाथों को यूज करके आप क्लिक क्लिक कर सकते हो, बट इतने ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं फील होते। ये बेसिकली एक रियल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड के साथ मिक्स कर देता है। मैं काफी अलग अलग पीछे वाले जो हेडबैंड है, काफी ऐसे मेश वाली डिजाइन है, उसे आप टाइट वाइट कर सकते हो, काफी मैग्नेटिक कनेक्टर टाइप है। ये लाइट से इंटरेक्ट कर सकता है, बैकग्राउंड डिम कर सकता है अगर आप मूवी देख रहे हो। जो आपकी स्क्रीन है जब आगे पीछे करोगे तो उसके साथ साथ शैडो भी क्रिएट होती है, तो आपको एकदम रियल वाली फीलिंग आती है, काफी एक 3D इफेक्ट क्रिएट होता है। आपकी असली दुनिया में भी भाई 3D वाली चीजें शैडो कास्ट करती है। आप वर्चुअल कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो, फिजिकल कीबोर्ड भी इसके साथ यूज कर सकते हो, स्पेशल फोटोज खींच सकते हो। अब इससे अगर फोटो खींचोगे इसके अंदर ना ग्लास के अंदर कैमरे लगे, तो आप फोटो खींचोगे 3D में फोटो खींचोगे, और इनको आप बाद में जाके कभी देखना हो तो वो भी देख सकते हो। इसमें दिखा रहे थे, आप इसमें अपना पूरा पर्सोना स्कैन कर सकते हो, इसके अंदर भाई कैमरे लगे तो आपको ट्रैक करके आपका एक भाई ऐसे 3D अवतार टाइप बनाता है। अगर आप वॉइस कॉल भी कर रहे हो तो भाई सामने वाले बंदे को अवतार दिखेगा, ऐसा आप बात करते हो दिखोगे। मूवी भी आप 2D में देख सकते हो, 3D बना सकते हो, और उसके साथ साथ आप 3D मूवीज भी देख सकते हो। इन्होंने अवतार का एग्जांपल दिया था, और 3D में गेम्स भी खेल सकते हो। आप बोलोगे भाई आपकी कुछ चीजें देख लेगा, फेस आईडी को ऑप्टिकल आईडी बना दी, बेसिकली अनलॉक करना आपके आंखों से अनलॉक कर लेगा। उसके बाद 6 माइक लगा रखे हैं, सेंसर अलग से लगा रखे हैं, इंफ्रारेड वाले। प्लग इन करके भी कर सकते हो, जैसे आपने तार वार कनेक्ट करी है ऐसे तकिए पे बैठ, सोफे पे आराम से बैठो, या फिर अगर आपको इसमें कनेक्ट करना है तो आपको बैटरी लगानी पड़ती है अलग से, और बैटरी आप अपनी जेब में डाल के रख सकते हो। इन्होंने कोशिश करी इस हेडसेट के अंदर बैटरी ना लगाई जाए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा भारी हो जाता। अच्छा भी है कि काफी हल्का बनाया गया, थोड़ा सा मेरे को लगा कि चैलेंज है, क्योंकि काफी सारे हेडसेट में उसमें ही बिल्ट इन होती है।
इसका जो प्रोसेसर भी है इसके अंदर दो लगा रखे हैं, एक M2 चिप है और एक एप्पल की R1 चिप है। इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर है ये सेम प्रोसेसर उसमें लगा रखा है, तो भाई गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए भाई नीचे की साइड पे पूरा एक कूलिंग यूनिट दे रखा है तो ये ठंडा भी रहेगा। आप बोलोगे R1 चिप क्यों लगा दी, R1 बेसिकली रियलिटी का नाम है, जो पूरी रेंडरिंग है जितने भी ग्राफिक्स है ये सारी चीजों को रेंडर करके बताया जाता है इसके अंदर। अगर आपको 3D में हार्ट वाले डायग्राम देखना है तो भाई पूरा खोल के आप इधर उधर ऐसे देख सकते हो हार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आपको वीडियो कॉल्स करनी है, नॉर्मल लोगों से बात करनी है, सारी चीजें आराम से हो जाती हैं। इस प्रोडक्ट के लिए एप्पल ने अपना पूरा एक OS बना रखा है जिसका नाम है विजन OS। इसमें बेसिकली भाई लाइडार सेंसर्स हैं और उसके बाद ऑडियो वाली रे ट्रेसिंग भी है, वो पूरे रूम को भाई एक्चुअल समझ लेता है कि किस रूम में आप बैठे हो और उसी रूम के हिसाब से भाई ट्रैक करके आपको ऑडियो सुनाई देती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके रूम में ही कुछ बज रहा है। और प्लस स्पेशल ऑडियो तो है, जो हमने पहली झलक में दिखा था भाई ऐसे पूरा हेडसेट था वो जैसी ऑन हुआ तो आंखें दिखने लगी, बहुत ज्यादा वियर्ड था कि भाई ट्रांसपेरेंट एक चीज बनाई गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब दिख रहा है अंदर का, बट अंदर की साइड पे एक एक्चुअल डिस्प्ले लगा है जो बाहर की तरफ भी चीजें दिखाता है और अंदर की तरफ भी चीजें दिखाई जाती है, और इसी डिस्प्ले में आपकी आंखें भी दिखती हैं, आप जो जो चीजें कर रहे हो वो भी दिखता है। तो होता क्या है कि अगर आप बात करना चाह रहे हो किसी से तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, सामने अगर कोई पर्सन आता है उसको पता चल जाता है कि आप कोई चीज चला रहे हो या फिर उसको बात करने का मन है आप वो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप सब कुछ गायब भी कर सकते हो। ऊपर की साइड पे क्राउन ऐसे डायल है, घुमाओगे तो ऐसे रियलिटी चेंज होती रहती है। इसके लिए एप्पल ने एक नया एप स्टोर भी बनाया और प्लस आईफोन की जो एप्स हैं, जो आईपैड की एप्स हैं, उसमें से काफी सारी एप्स इस वाले हेडसेट के ऊपर भी अवेलेबल है कि भाई काफी एक एक्साइटिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। एप्पल ने इस वाले प्रोडक्ट को लेके भी प्राइवेसी पे काफी ज्यादा ध्यान दिया, जैसे जितने भी टैब्स हैं, जितनी भी चीजें हैं आप देख रहे हो आसपास, वो डेटा किसी के पास भी जाता नहीं है। इस प्रोडक्ट में डिज्नी के साथ भी कोलैबोरेशन करी है और मिलके काफी सारी नेक्स्ट लेवल चीजें बनाई जा रही है, 3D मूवीज बनाई जा रही है, काफी सारे 3D एप्लीकेशन है, गेम्स है, काफी सारे इंटरेक्टिव वाली चीजें, समुद्र के अंदर जाके आप नेट जो वाली चीजें देख सकते हो अपने जानवर देखने, तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा हो भाई स्मार्टफोन्स अब ज्यादा ऐसे कुछ खास इंप्रूव हो नहीं रहे। अब इंप्रूवमेंट भाई या तो घड़ियों में आती है, आईपैड में आती है, लैपटॉप में आती है, अलग अलग प्रोसेसर आए जाते हैं, बट भाई सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो हमने हेडसेट ट्राई करें उसमें काफी बड़ा स्कोप है। काफी सारी कंपनीज इन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, फेसबुक ने अपना पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया इस डायरेक्शन में। क्या ये टेक्नोलॉजी तगड़ी है? हाँ भाई बहुत तगड़ी, हमने यूज करी है अलग अलग तरीकों से, एप्पल वाली हेडसेट भी डेफिनेटली काफी ज्यादा कूल होंगे, काफी ज्यादा कंफर्टेबल बन जाएंगे। बस दिक्कत दो है, एक तो हेडसेट ये भारी भरकम होते हैं, जैसे आपका मोबाइल है या फिर हाथ में घड़ी पहन रहे हो काफी कंफर्टेबल सा रहता है, पर हेडसेट डेफिनेटली भारी होते हैं। और दूसरी चीज, बचपन में हमको बताया जाता था कि देखो बेटा टीवी से थोड़ा दूर बैठो, आंखों के ये और के दो दो टीवी, और एक्चुअली हम एक वीडियो बनाने की भी सोच रहे थे पेंडिंग अ डे VR हेडसेट के, नहीं बन पाई भाई मेरे से, मैं चक्कर आने लगे थे, मेरे को अजीब सा लगने लगा, मेरे को बस लगता है कि पता नहीं है भाई हमारी हेल्थ के लिए सही है कि नहीं, क्योंकि एप्पल ने भी इस पूरे इवेंट में कहीं पे भी ये बात नहीं करी कि भाई आंखों के लिए सही होगा कि नहीं होगा, बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी की स्पेस में भाई डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोडक्ट है, मेरे को देख के एक्साइटमेंट होगी, हम ट्राई करेंगे, हो सकता है कुछ जादुई चीजें भी हो इसके अंदर जो अभी पता ना, बट एक चीज दिक्कत है, अगले साल लॉन्च डेट लगा दी है और प्राइस $3,499 $2,80,000 के ऊपर। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से भाई नेक्स्ट लेवल चीजें आती हैं, नेक्स्ट लेवल गेमिंग कंसोल्स और सारी, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी के लिए या फिर एकदम ही भाई नए प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली ओके प्राइस में बोलूं, अगर टीवी मोबाइल लैपटॉप सबको रिप्लेस कर देता है तो हो सकता है वर्तो, साथ साथ भाई फेसबुक भी काम कर रहा है तो फेसबुक के भी जो प्रोडक्ट्स हैं भाई हो सकता है पहले लॉन्च कर दिए जाए। काफी अलग अलग कंपनीज हैं जो बिल्ड कर रही हैं अपनी AR टेक्नोलॉजी, देखते हैं भाई किसके सबसे बेस्ट होंगे, और मेरे ख्याल से रेस है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि भाई कौन नेक्स्ट फ्यूचर टेक जायंट बनेगा, देखते हैं हम भी भाई क्या होता है, फ्यूचर वेरी एक्साइटिंग, टेक में मजा आ रहा है, आप बताना आपको कैसा लगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।